और नोटबंदी के बाद बैंकों और एटीएम में लोगों की लंबी कतारें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लंबी लाइनों में लोगों की मौतों की खबरें जो हैं वो रोज आ रही हैं और यूपी की मेरठ से भी अब एक ऐसा ही दिल दहला देने वाला मामला जो है वो सामने आ रहा है। दरअसल यहाँ के ढवाई नगर गली नंबर 8 के रहने वाले इकराम की उस वक्त हार्ट अटैक से मौत होगी जब वो बैंक की लाइन में खड़े थे और पैसे निकालने के लिए लाइन में लगे हुए थे। इधर परिजनों की माने तो मृतक एसबीआई की शाखा में 10,000 रुपये जमा कराने गया था जबकि 4,000 रुपये निकालने थे। इकराम पैसे तो निकाल चुके थे लेकिन 10,000 रुपये जमा करने के लिए वो फिर दोबारा से लाइन में लग गए। उसी वक्त उनको चक्कर आना शुरू हो गया और उल्टियाँ शुरू हो गई जिसके बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। 50 वर्षीय मृतक अकेले ही अपने घर में कमाने वाले थे। घर के मुखिया की अचानक मौत से सब परिवार सदमे में है और परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। इधर सूचना मिलने के बाद थाना नौचंदी पुलिस भी पहुंची और जांच में जुट गई। बैंक में सुबह पैसे निकालने गए थे घर से 8 बजे। इन्होंने 4,000 रुपए निकाले इकरामुद्दीन, इन्हें 4,000 रुपए इन्होंने निकाले, 10,000 रुपए जमा करने थे, पैसे तो निकल गए 4,000 रुपए लेकिन जमा नहीं हो पाए। जमा कर रहे थे तब इनकी तबीयत खराब हो गई, वहाँ से इन्हें उठा के डॉक्टर के ले गए। डॉक्टर ने कहा इनकी दिल की हाँ लाइन में लगे हुए थे, लाइन में वहीं ना उल्टी भी हुई लाइन में। स्टेट बैंक हाबोर्ड है, भारतीय स्टेट बैंक, मेरा बड़ा भाई था वो, मैं छोटा भाई।